का भूमिका क्या था और अभी क्या है उसको भी सोचना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ 1866 में हमारे उड़ीसा में फेमिन इतना बड़ा पड़ा था, बहुत आदमी मर गए। उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिए थे हमारा गोपबंधु जी, जो कि उत्कल मणि बोलते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा राज्य में जैसे महात्मा गांधी देश का है, ऐसे माफी गोपबंधु जी हम उड़ीसा का थे। वो स्टेटमेंट दिया जो गवर्नमेंट का खिलाफ में जो दे आर अनेबल टू कंट्रोल द फेमिन, तो जो सब थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सब थे वो बोले, वो जो गोपबंधु जो बोले हैं वो ठीक नहीं बोले हैं, तो उन उसी टाइम जो बदलाव था वो बोले थे न्यूज कौन दिया, कौन लिखा है ना, गोपबंधु दास लिखे, तो अनसर्टेन लोग बोलने शुरू किया गोपबंधु दास कभी झूठा नहीं लिखता। तो मेरा बोलने का वो है जब देश पराधीन था उसी टाइम में इतना सामाजिक थे जो लिखने से भी जो सरकार था वो विश्वास करता था वो सच्चाई है। आज आप लोग को मालूम होगा जो उसी टाइम जो संवाद पत्र का जो इम्पोर्टेंस था, जो इन्फ्लुएंस था सोसाइटी के ऊपर, अभी है या नहीं मैं डिबेट को नहीं जाना चाहता हूँ। उसी टाइम तक हाथ में 10-15 हरिजन, महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक जी का था, और पंजाब में शेर ए पंजाब वो निकलता था, थोड़ा बहुत संवाद पत्र था। अभी तो जो मुझे मालूम है करीब 62,000 न्यूज़पेपर पीरियडिकल्स पब्लिकेशन देश में होता है, करीब 21 से ज्यादा डेली न्यूज़पेपर अभी निकलता है, उसमें करीब 300 से ज्यादा जो जो बिग न्यूज़पेपर बोलते हैं वो है, और करीब 500 से ज्यादा मीडियम न्यूज़पेपर भी है, और जो रह गया स्मॉल न्यूज़पेपर है। वो जो इतना न्यूज़पेपर हैं तो उनका प्रभाव अभी क्या है समाज के ऊपर, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अभी आपको मालूम है, आपको बोल दिए राजस्थान तो बहुत ऊंचा प्रोग्रेसिव स्टेट है और गुजरात भी कम नहीं, मगर जो भी है विश्व महासिद्ध जी को मालूम है ओडिशा में हमारा जो है INPR इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है उनका बजट कितना है। आपको मालूम है हमारा बजट, आप सोच नहीं सकते बजट क्या है, 6 करोड़ों से ज्यादा नहीं है। आप सोचिए जब अभी ओडिशा में करीब 60 डेली न्यूज़पेपर हो गया, उसमें 13 बिगर न्यूज़पेपर जो 75,000 से ज्यादा सर्कुलेशन जिसका, तो आपको मालूम है हमारा अपना कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे कि आपका कोई पॉलिसी खुद स्टेट में है, हम DAVT के ऊपर निर्भर करते हैं, वो जो निष्पत्ति करते हैं वो निष्पत्ति हम कर रहे हैं, तो कितना परसेंटेज राज न्यूज़पेपर को जाएगा, कितना मीडियम को जाएगा, कितना स्मॉल को जाएगा, ऐसे होता है। ऐसे हम आने के टाइम में हमारा एक फ्रेंड सुभाष है, वो बोला भाई तुम मंत्री बन गया, मेरे न्यूज़पेपर अभी तक एक ही भी निर्वाचन नहीं मिला। मैं बोला भाई देखो मैं जाऊंगा मेरे पास तुम भी आने से भी ऐसा हालत होगा जो अभी है। आप देखे होंगे कि UP गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट उड़ीसा में निकलता है फुल पेज, मगर उड़ीसा का अचीवमेंट जो है कभी बाहर में कभी देखे हैं? मैं आई हैव ऑल्सो ड्रॉन द अटेंशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, मैं लेकर दिखा रहा हूँ मायावती जी का जो अचीवमेंट है, मैं बोला कि आपका अचीवमेंट कुछ कम नहीं है, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लैंड अभी दिए हैं आदिवासी को, करीब 1,50,000 से मोर वो आदिवासी लैंड दिए हैं, 3 लाख हेक्टर जमीन, उसके साथ भी पैसा एक हम पहले से हमारा स्टेट में शुरू किए हैं 1,100 कोर्स अभी हम कंक्रीट जुम्मन में देते हैं जो कि दूसरा स्टेट में नहीं है, तो उसको हम क्यों नहीं डिस्प्ले करेंगे दूसरा स्टेट में कि नवीन पटनायक जी ऐसा ऐसा करते हैं। मगर वो बोले
उसका थोड़ा सोचना चाहिए, मगर तुम्हारा बजट जैसा है उसका जब हम डबल करेंगे तो उड़ीसा का एडवांटेज हम दे नहीं सकेंगे, बाहर को कैसे जाए। तो जो भी हो उसका कोई पॉलिसी होना चाहिए। आप जो बोले हैं मुझे मालूम है, जो अंग्रेजी न्यूज पेपर है हम ज्यादा उसको एडवर्टाइजमेंट देते हैं। आप जो बोले हमारा उड़ीसा का लिटरेसी परसेंटेज 2011 का सेंसस के बाद अभी हो गया 73%, मगर 73% जो लिटरेसी हुआ उसका मतलब यही है कि हर आदमी इंग्लिश पढ़ता है। हर आदमी गांव का जो आप बोले हैं छोटा न्यूज पेपर जो लोकल न्यूज पेपर होता है उड़िया में होता है या दूसरा उड़ीसा के जो कड़े कड़े तो संबलपुरी भाषा जो बोलते हैं वो भी होता है, आदिवासी भाषा जो होता है वो भाषा में आदमी समझते हैं। मगर इंग्रेजी अभी ऐसा हुआ है, इंग्रेजी भाषा एक नौकरी के लिए तो भाषा हो सकता है, मगर ये भाषा का प्रभाव अभी इतना नहीं है कि जो गाँव गाँव में जो कि अखबार भी पढ़े। फिर भी हमारा बीएनबी पॉलिसी जो है आपको मालूम है इंग्लिश न्यूज पेपर जितना एडवर्टाइजमेंट लेता है उसके कंपेरेटिवली नेशनल न्यूज पेपर इतना नहीं पाते हैं जो हिंदी में हो या दूसरा भाषा में हो, उसका परिवर्तन होना चाहिए। आप जो बोले मैं आपका साथ देता हूँ, उसका परिवर्तन होना चाहिए। मैं तो गया था दिल्ली, देखा है कि न्यूज पेपर इंग्लिश न्यूज पेपर उसका कीमत वो 1 रुपए में बेचते हैं, मगर उसको जो केजी वजन कर देंगे जो उनका कीमत ज्यादा होगा। तो वो न्यूज पेपर है या एडवर्टाइजमेंट पेपर है उसको भी मालूम करना चाहिए। इंग्लिश पेपर को हम इतना एडवर्टाइजमेंट देते हैं आपको न्यूज को निकालने के लिए आपको टाइम लगेगा, कौन सा पेपर में कौन सा पेज में अभी न्यूज है तो है या नहीं है, ऐसा हालत हो गया है। तो मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। आप जब आए हैं मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो हम पढ़ते थे कॉलेज में जिस टाइम हमको मालूम होता है इम्पोर्टेंट न्यूज कौन सो है, जो फर्स्ट पेज का लेफ्ट साइड में जो होगा हम सोचते हैं दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज अप टू दैट डे। अभी आपको संपादित वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडिटोरियल वो होता है, आप अभी कभी देखेंगे फर्स्ट पेज में भी टोटल पेज नो न्यूज फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो उसका मतलब क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स क्या, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। देश का 125 करोड़ आदमी हो गए देश में, हमारा उड़ीसा में 4 करोड़ 19 लाख अभी आदमी है, 85% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज, जिसका न्यूज एक बार भी निकलता नहीं है। शहर में जो न्यूज होता है उसको एक बार दो बार अब निकालते हैं, तो जब ओरिजिनल न्यूज हम निकाल नहीं सकते हैं तो इतना एडवर्टाइजमेंट जो देते हैं उसका भी लिमिट होना चाहिए। एक पेपर में कितना न्यूज होगा कितना एडवर्टाइजमेंट होगा वो जब नहीं करेंगे तो आप जो अभी जो होता है हालत अभी न्यूज का ऊपर आप सोचिए, जो सिर्फ हम न्यूज पेपर पढ़ते वो नहीं है, उसके बगल में भी अल्टरनेटिव अभी न्यूज भी आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है वो आ चुके हैं, आपको देखते होंगे इंटरनेट पे भी न्यूज आ चुका है, आपको मालूम है अभी भी मोबाइल में भी न्यूज भी आ सकता है।